Hello students, I am S.Kumar Sir. I am going to teach you chemistry this session. I am post-graduated with organic chemistry from Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar. I have total overall 8 years teaching experience for JE, Advanced and NEET level students. Many of my students have cracked JE, Advanced, and right now they are studying in IIT. And some of the students are studying in AIMS also. Actually, my main focus is on chemistry because we have to mindset that whatever we are studying, we must feel it easy. We must enjoy with the subject. If you are enjoying with the subjects, then none of the subjects you will feel hard. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी subject को ध्यान से पढ़े, मतलब एक एंजॉयमेंट करके पढ़े तो मजा आता है पढ़ने में. और अगर यही चीज किसी भी सब्जेक्ट में आप लगा दो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप मजे के साथ पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारा आपका इंटरेस्ट होगा. चलिए अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर. केमिस्ट्री क्या है? इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप लोगों ने तो क्लास 9-10 में बहुत सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़े होंगे जिसमें आपने डिफाइन दिया है व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस, प्यूरिफिकेशंस, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेनी मोर थिंग्स. यू मे हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 8, 9, 10, बट नाउ इन द 10th स्टैंडर्ड each and every chapter whatever you have studied from 8 to 10 in this standard we are going to just extend the level of chemistry. same chapter hai, koi zyada ghabrane ki zarurat nahi hai. chemistry aapko scoring subject ke naam se jana jata hai. chemistry mein aap zyada se zyada marks score, वैसे तो सारे subject scoring hai but chemistry ki baat kare to chemistry humko zyada se zyada marks score karne mein madad karta hai. केमिस्ट्री एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं, थ्री ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर रिलेटेड थिंग इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. थर्मोडायनामिक्स होगा, इक्विलिब्रियम होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, ये कुछ चैप्टर्स होंगे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री that branch of chemistry in which we study about carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and its derivative compound. कहने का मतलब ये carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen इनसे जितने भी compound derives होते हैं उन सबका study हम लोग organic chemistry में पढ़ेंगे. और inorganic chemistry that branch of chemistry in which we study about the extraction of metal, non-metal, uses of metal, non-metal, ये सारी चीजें हम लोग inorganic chemistry में पढ़ेंगे. आइए अब आपको बता दूं कि chemistry में ये तीनों branches के कितने weightage हैं. जो हम लोग 11th standard में ही chemistry का exam देंगे वो total overall 70 marks का exam होगा जिसमें हर chapter के कुछ ना कुछ marks divided हैं, जिसमें total आपके 14 chapters हैं 11th standard में. वो 14 chapters का जो weightage होगा, physical chemistry 35% के होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके 35% और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30%. जब ये आप वेटेज देखोगे ये थोड़ा चेंज हो जाता है 12th स्टैंडर्ड में, ये हमारा 40 हो जाता है, बाकी 30-30 हो जाते हैं ताकि दोनों बैलेंस रहे. अगर हम फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ये तीनों ब्रांच को अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें ये जानकारी मिलता है ये सारी चीजें हम अपने लाइफ में कर रहे हैं. अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, या फिर उसके बाद वाला एक चैप्टर होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सारे जो चैप्टर्स थे उसी चैप्टर को थोड़ा एक्सटेंड लेवल तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें कुछ चैप्टर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, इधर भी आपको पढ़ना है.
नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो जो आपने पढ़ा था वो भी एक अच्छे लेवल तक, नाइन्थ में भी बहुत अच्छी कंसेप्ट दी हुई है केमिस्ट्री की। अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो नॉट एन इश्यू, हम लोग इधर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसी का यहाँ पे पहले नाइन्थ का ब्रीफ पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और उसको फिर हम लोग आगे के लेवल पे उसको लिखे गए। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हमने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा है। टेंथ स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक के जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने मीथेन, इथेन, उसके बाद ईस्टर, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद यूजेज ऑफ ईस्टर, इथर, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट दिस टाइम इन 11th स्टैंडर्ड वी विल हैव अ प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमको बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें सिखाएगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ब्रांच है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में डिस्क्राइब करने वाले हैं। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक, अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्न दिस ऑल द 118 एलिमेंट्स इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट मोल एंड कंसेप्ट, राइट? इन द मोल कंसेप्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द मोलर मास, करेक्ट? तो अगर आपको नहीं याद है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 118 एलिमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में किस तरह से हमें लर्न करना है। उसके बाद आ जाइए, जब आप ये सारे कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, सेकेंड थिंग बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स कहने का मतलब जो उसका मेन फंडामेंटल है, जैसे आई होप 7th स्टैंडर्ड से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, वहीं से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे हाई लेवल 8th स्टैंडर्ड, फिर 9th स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड। आप वैलेंसी की बात करोगे तो 7th स्टैंडर्ड में पहला वैलेंसी का डिफाइन दिया है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनके बुक्स को आप चेक कर सकते हो, वैलेंसी का डिफाइन 7th स्टैंडर्ड में दिया होगा। फिर धीरे धीरे वैलेंसी, उसके बाद आप जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जो हर स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो थोड़ी हमें डिफिकल्टीज होगी आगे पढ़ने में। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम केमिस्ट्री को समझने से पहले केमिस्ट्री का जो मेन बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल थिंग्स है, उसको हमें समझना चाहिए। अगर मैं बात करूँ वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। आप देखोगे ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं वो सब की वैलेंसी वन है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब एलिमेंट्स की वैलेंसी वन है। तो अगर आप ग्रुप वाइज एलिमेंट्स के नाम आप लर्न कर रहे हो तो आपको वैलेंसी इजिली लर्न हो जाएगा। जैसे ग्रुप वन सबकी वैलेंसी वन, ग्रुप वन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की वैलेंसी वन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्रुप टू, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की वैलेंसी टू। तो हमें क्या करना है, हमें बस ग्रुप वाइज एलिमेंट्स के नेम लर्न करना है तो ऑटोमेटिकली हमें सबकी वैलेंसीज रिमेंबर हो जाएंगे, राइट? अगर आपको वैलेंसी आ गया, कंपाउंड बनाना आप सीख जाओगे, कंपाउंड बनाना सीख जाओगे, रिएक्शन सीख जाओगे जो आपने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में किया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा बैलेंस्ड और स्केलेटन रिएक्शन जिसको हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, और ये बेसिक कंसेप्ट अगर हमारे पास है तो 11th एंड 12th हमारे लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं। अगर आपके पास लिटिल बिट कंसेप्ट छूट गया है तो उन सारे चीजों को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग 11th में ध्यान से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में रियलिटी से आपको इक्विवेलेंट करेगा कि रियली व्हाट एवर वी आर डूइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम मॉर्निंग के उठते हैं उस सबसे पहले हम लोग फ्रेश होते हैं, वाटर का लेकर के नाइट में जो गुड नाइट जलाते हैं, हर सब्सटेंस केमिस्ट्री से बना हुआ,
Chemistry plays an important role in our daily life. Each and every substance, if I talk about, is made up of chemicals. And chemicals means chemistry. चाहे वो फिजिक्स का ही मोटर क्यों ना हो, उसमें भी आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो केमिस्ट्री आ ही जाती है. हर जगह केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है. तो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर 9th और 10th में पढ़ें, उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, सबसे पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स का हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, फोर्थ चैप्टर आपका हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद रखना केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दो चैप्टर्स जो है, ये दोनों चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का पिलर है. अगर ये दो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो समझ जाओ आपको फंडामेंटल केमिस्ट्री हो गया, और फंडामेंटल केमिस्ट्री से ही हम एक्सटेंड लेवल तक जाएंगे और पूरे केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स हमें इस बार कुछ नया मिलेगा और बहुत मजा आएगा इस बार जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले. सिंस अभी COVID-19 का लॉकडाउन चल रहा है तो हमें इंटरनेट की सहायता से वीडियोस प्रोवाइड करना पड़ रहा है, बट जब हम फेस टू फेस मिलेंगे देन रियली आई एम सेइंग यू वी आर गोइंग टू एंजॉय केमिस्ट्री. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड.